इनका जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसकी घोषणा की गई है। दूसरा, दो मामले बहुत जरूरी हैं जो मुझे आपसे कहने हैं। पहला तो बक्सर का है, हमारे पीडीए के जो फेस हैं, चेहरे हैं, उन्होंने बात रखी पप्पू भाई ने कि कल हमारा एक जो है प्रतिनिधिमंडल जो है बक्सर जाएगा, लेकिन बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यूपी की तरह बिहार में भी कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। एक बड़ा मामला मोतिहारी में हुआ है, मीडिया के लोग यहां हैं, वहां होस्टल पर जो है कुछ लोगों ने जाके जो है गोलियां चलाई हैं, मारपीट की है बच्चों के साथ। असुरक्षा की भावना एक बड़ी यहां दलितों में, मुसलमानों में, बैकवर्ड के लोगों में और गरीबों में है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस गुंडागर्दी का भी अंत जो है पीडीए के आने पर होगा। अगर कोई ये सोच बैठा है कि वो यहां गुंडागर्दी कर लेगा, गरीबों को सता लेगा, तो ये भ्रम को अपने दिमाग से निकाले। लोकतांत्रिक भारत है, लोकतांत्रिक बिहार है, और एक लोकतांत्रिक सरकार जो है आने वाली है पीडीए की। बिहार में मैं पप्पू जी को और पीडीए के सभी नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय यहां देंगे। हमसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम पीडीए को बहुत मजबूत करेंगे और यहां पीडीए की सरकार बनाने में एक बड़ा रोल अदा करेंगे। और विश्वास दिलाते हैं कि बिहार के गरीबों को अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए सोचने के लिए उनके